नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में जल्द ही एक और हवाई अड्डे की शुरुआत होने वाली है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बिहार के रक्सौल एयरपोर्ट के दिन अब बहुरने वाले हैं। इसको चालू करवाने के लिए सरकार ने जिलाधिकारी से रिपोर्ट की मांग तक कर दी है। इसे तैयार किया जा रहा है, जल्द ही रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी। बीते दिनों ही राज्य के मुख्य सचिव ने बिहार के हवाई अड्डों के विस्तार को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई थी। इसमें रक्सौल एयरपोर्ट की भी चर्चा हुई। करीब 154 एकड़ में फैले पंटोका पंचायत के सीमावर्ती हरैया गांव स्थित ये एयरपोर्ट संचालन की दृष्टि से उपयुक्त है। अच्छी बात यह है कि जरूरी भूमि उपलब्ध भी है। नेपाल सीमा पर होने के कारण यात्रियों की संख्या भी अच्छी खासी मिल सकती है। इसका क्षेत्रफल भी करीब 2 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा है। वर्तमान समय की बात करें तो इस परिसर में SSB 13वीं बटालियन का BOP संचालित है। अब बात करते हैं एयरपोर्ट के इतिहास की। तो साल 1960 में इस एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है। 1962 तक योजनाबद्ध तरीके से इसका रखरखाव हो सका है। 1968 में रक्सौल, मुजफ्फरपुर और भागलपुर के लिए कलिंग एयर सर्विस की शुरुआत हुई थी, लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण साल 1960 के आसपास यहां से उड़ानें पूरी तरीके से बंद हो गई। आखिरी बार 5 अगस्त 2011 को दिल्ली से एयर एम्बुलेंस जो यहां पर उतारी गई थी। इतना ही नहीं, इस एयरपोर्ट ने भारत चीन युद्ध के दौरान भी बेहद ही अहम भूमिका निभाई है। भारत चीन युद्ध के बाद जनरल KM करियप्पा ने सीमा क्षेत्र का दौरा भी किया था। तब युद्ध के दौरान सैन्य सामग्री और हवाई हमले के लिए सबसे बेहतर स्थल के रूप में इसका चयन किया गया था। बाद में इस पर ध्यान नहीं दिया गया। वहीं पड़ोसी देश नेपाल ने सीमावर्ती परसा, बारा, रोहतक, नवलपरासी आदि जिलों में एयरपोर्ट का निर्माण कर उड़ान शुरू कर दिया। इसको लेकर पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने कहा कि रक्सौल हवाई अड्डा चालू कराने का प्रयास जारी है। राज्य सरकार को 1 सप्ताह के भीतर प्रस्ताव भेजा जाएगा। निर्देश के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद ही अब उम्मीद है कि साल 2022 से मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डे के अलावा रक्सौल से भी इलेक्ट्रिक विमान सेवा शुरू हो सकती है। P4 कंपनी के निदेशक ने इस संबंध में पिछले दिनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को पत्र लिखा है। विमान सेवा शुरू करने से पहले हवाई अड्डे और रनवे की मरम्मत का आग्रह किया गया है। इसको लेकर भी कवायद चल रही है। कंपनी के निदेशक सुनील कुमार ने कहा है कि स्पाइसजेट एयरलाइन के साथ कंपनी 2024 में इलेक्ट्रिक विमान लॉन्च कर रही है। नगर विमानन मंत्रालय ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दोनों एयरपोर्ट से विमान सेवा शुरू कराने का अवसर दिया है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में दोनों एयरपोर्ट की शीघ्र मरम्मत करा दी जाएगी, जिसके बाद उम्मीद है कि बिहारवासियों को जल्द ही एक और एयरपोर्ट की सौगात मिल जाएगी, जिससे विमान से सफर करने वाले यात्रियों को यकीनन काफी फायदा होगा। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।